नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही आप कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा जो तमाम कदम उठाए हैं गए हैं उसके खिलाफ हल्ला बोल दिया है और जंतर मंतर पर जमकर जो है निशाना साधा है। हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर लोगों से बात की। अब सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं और साथ ही जो खुद कपिल सिब्बल बयान दे रहे हैं उसको भी एक बार जरूर सुनिए। पीछे स्टार्ट। अब कपिल सिब्बल सर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग लगातार यहाँ पर तालियां बजाते नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार पर लगातार कपिल सिब्बल यहाँ पर हमला बोलते हुए नजर आए। देखा जाए यहाँ पर तो लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है साफ तौर पर कि देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कौन सा देश हमारे देश से आगे निकल गया, इन सब मुद्दों पर यहाँ पर काफी बेहतर तरीके से बात करते हुए नजर आया है। और यहाँ पर जनता भी उनका पूरी तरीके से समर्थन कर रही है। इंसाफ की जो बात की जा रही है लोकतंत्र को मजबूत करने की और जो खराबी है उसको लेकर यहाँ पर लगातार बात की जा रही है। साफ ही तौर पे कहा जाए तो यहाँ पर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी कपिल सिब्बल लगातार बात करते नजर आया है। साफ तौर पे दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर स्टेज पे ही मौजूद है और लगातार यहाँ पर मोदी सरकार पर हमला बोलते नजर आए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कहीं ना कहीं अडानी के मुद्दे पर भी बोलते नजर आए और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल है उसका भी जवाब देते हुए नजर आएंगे या उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाते नजर आ सकते हैं जिस तरीके से लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो 2024 को लेकर जो चुनाव सबसे ज्यादा है, मैं हर किसी को पीएम यहाँ पर बनना है उसको लेकर यहाँ पर विपक्ष को एक साथ करने के लिए समर्थन देने के लिए यहाँ पर कपिल सिब्बल ने ये बड़ा कदम उठाया जिसमें इंसाफ के मंच की बात की है और यहाँ पर इंसाफ के सिपाही की बात की। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कौन सी विपक्षी पार्टियां कपिल सिब्बल के साथ जुड़ती नजर आएगी। वो सपा हो गई, बसपा हो गई, आरएलडी हो गई, आरजेडी हो गई या फिर जेडीयू हो गई या फिर कोई और पार्टी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 में तस्वीर बदलेगी या फिर वही तस्वीर रहेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ कशिश और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन। तो आपने देखा कपिल सिब्बल की तमाम बातों से लग रहा है कि इस बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ खुलकर मोर्चेबंदी करने वाले हैं। 2024 से पहले तमाम तैयारियां जो है वो जारी कर दी गई है और ये माना जा रहा है कि इस वक्त उन्होंने जो इंसाफ मंच की शुरुआत की है दरअसल ये एक अच्छी और बेहतर पहल है और इसके नतीजे जो है 2024 चुनाव में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन तमाम कार्रवाइयों को लेकर जो ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही है उस पर भी कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल की नज़र जो है वो बनी हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।